सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विजया भंडारी और मैं देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से गांव गौचर रानों से यदि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और मैं जा रही हूं खेत में। अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने खेत में और आज होगी यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको पीछे से झंगोरे की लवाई। तो इस तरह से पूरे खेत में झंगोरा पक के रेडी हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 3 महीने में फसल पक के तैयार होती है, जून जुलाई और अगस्त, और ये है सितंबर का महीना। क्यों होती है इतनी जल्दी रेडी 3 महीने में, नहीं तो फसल को 6 महीने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो इतनी उमस होती है, इतनी गर्मी होती है, उसके कारण जल्दी से यहाँ पे फसल आती है। और ये देखो इस तरह का नज़ारा है कुछ सुबह का। सभी लोग अपने अपने खेतों में आ ही रहे हैं और धूप भी बहुत ही ज़्यादा चमक वाली लगी हुई है। बारिश आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है, शाम के समय सभी लोग खेत के लिए तैयार हो रहे हैं तो बारिश स्टार्ट हो जा रही है। तो ये देखो इस समय का बहुत ही सुंदर और नाइस व्यू हमारे गांव का, और हमारे गांव में जो सार है वहाँ का। ये देखो पीछे कुछ कोदा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखो लहलाती, जो हम गढ़वाली भाषा में इसको सट्टी बोलते हैं और हिंदी में इसको धान कहा जाता है, वो भी कुछ ही दिनों में रेडी हो जाएगी। जब तक हम लोग झंगुरे की लवाई करते हैं और इसकी कटाई करते हैं, जो ये न्यार होता है उसकी कटाई करेंगे, तब तक हमारे धान भी रेडी हो जाएंगे। और हम अभी तिल हुआ जुआ सब की लवाई करेंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। पहले आज करेंगे हम झंगोरे की लवाई, तो चलो दिखाते हैं आपको। ये देखो रास्ते में कुछ इस तरह से है, कोदा बो रखा है और उस तरफ है धान, और ये देखो वहाँ पे भी लोग कुछ अपने खेत में आ ही गए हैं, क्योंकि कल बारिश के कारण जो बालियाँ हैं वो अभी गीली हैं, तो लोग अभी आ ही रहे हैं अपने अपने खेतों की ओर। और ये देखो कुछ यहाँ पे कौड़ी की बालियाँ भी पक के रेडी हो चुकी हैं। ये रहा सोयाबीन, और अभी इस पे सोयाबीन की जो फलियाँ हैं वो अभी आ ही रही हैं, बिल्कुल अभी छोटी छोटी आ रखी हैं। कुछ दिनों बाद ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पक के रेडी हो जाएंगी। ये देखो कुछ इस तरह से हैं बालियाँ, और आज हम इसकी करेंगे झंगोरे की कटाई। तो ये है हमारा खेत, इतना बड़ा खेत है और कैसे टूट रखा है, पूरा लवाई करना है। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों तेल स्वाणी चा, ओ कथगरों तेल स्वाणी चा। ये देखो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और फिर हम चले गए हैं झंगोरे की लवाई करने। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमने वहाँ पे कितना काम किया। लगभग 1 बजने ही वाला था, उसके बाद हम घर आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमक वाली धूप लगी हुई थी। और ये देखो सभी लोग अपने अपने खेतों में आ गए हैं लवाई करने के। ये देखो दोस्तों ये हमने सुबह और दिन में तक किया, अब इसके बाद हम इतना काटेंगे, पहले लवाई करेंगे उसके बाद इस न्यार को काटेंगे झंगोरे का, और फिर उस वाले पेड़ पे लगाएंगे लुट के बना के। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो इस पेड़ पे हमने इस तरह से पूरे न्यार को लटका दिया है और ये अच्छे से अपने आप सूख जाएगा। और आसमान में देखो बहुत सारे बादल आ चुके हैं, बारिश आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलो चलते हैं अपने काम पे। तो दोस्तों सासू जी अभी कट्टा भर ही रही हैं, हमने यहाँ पे जख्या भी निकाल रखा है और कट्टे में यहाँ पे भर रखा है झंगोरा, और ससुर जी लगाएंगे अब जो हमने ये न्यार है इसकी पुल्ली बांध के वहाँ पे साड़ दिया है। और मेरी घास की भारी भी देखो रेडी हो चुकी है। मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ कि क्योंकि मुझे घर में गौशाला जाना है,
दूध निकालना है और बाघ का डर भी बना हुआ है, इसे मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सासू जी और ससुर जी लगाएंगे उस वाले न्यार को पेड़ पे। ये देखो सास ससुर जी वहाँ पे लगा रहे हैं झंडा, जो हमने झंगोरे का न्यार काटा है उसको वहाँ पे पेड़ पे लटकाएंगे। ये देखो बारिश की संभावना हो रही है, तो चलो चलती हूँ घर की ओर। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल विजया भंडारी पहाड़ी ब्लॉग्स पे ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।